मम्मी अब बताओ अपने संगीत की ग्रुप्स के बारे में, संगीत की साधना के बारे में। देखो अभी हम दो ऑनलाइन सिंगिंग समूह में हैं। हाँ, पहला समूह है स्वरधारा समूह और उसमें तो अब हमको लगभग 4 साल होने के लिए आ गए। अभिलाषा भार्गव को जानते हो ना, तो अभिलाषा ने हमको जोड़ा और तब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कोई सिंगिंग ग्रुप्स भी हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो हमने उससे बोला भी कि अभिलाषा कौन से ग्रुप में जोड़ दिया, हम तो कुछ जानते नहीं इसके बारे में। मगर जब वो बोली आप देखिए आपको अच्छा लगेगा तो रुकिए वहाँ, तो फिर छोड़ दीजिएगा। तो स्वरधारा इस तरह शामिल हो गए हम उसमें, तो देखा कि ऑनलाइन गाते हैं और धीरे धीरे तो बहुत आनंद आने लगा, क्योंकि वहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जब आपकी मर्जी हो, जब चाहे और जितना चाहे गा सकते हो। आप चाहो तो केवल एक लाइन गाओ, दो लाइन गाओ, पूरा गाओ गीत, मुखड़ा गाओ और कोई भी गीत गाओ, किसी भी तरह का कोई भी गीत आप गा सकते हैं कभी भी, और सुनने वाले भी मौजूद रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप गाते हैं तो आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, मतलब कोई सुनने वाला हो, सराहने वाला हो, पसंद करने वाला हो, तो अच्छा लगता है। तो ये सब वहाँ है। तो अब धीरे धीरे तो 4 साल हो गए हैं, शुरू में 1-2 साल तो हम ऐसे ही गाते रहे। फिर वो लोग बोले कि नहीं आपको एडमिन बनाना है, हमने कहा हमारे पास पता नहीं समय होगा कि नहीं, तो बोले कि नहीं उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप एडमिन हम आपको बना रहे हैं, आप जितना समय दे पाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तब से हम एडमिन भी हैं। तो एडमिन होने से जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, सबको सुनना पड़ता है, सबको मतलब ज़्यादा समय देना पड़ता है, बहुत सारी फायदे भी हैं, अच्छा भी लगता है। एक कहना चाहिए एक पोस्ट है, एक पद है। तो स्वरधारा बहुत अच्छा समूह। एक और समूह है सुर संगीत, तो उसमें आनंद जी हैं, तो वो तो हमको 2 साल से पीछे पड़े हुए थे कि आप हमारे उसमें आ जाइए। तो हम बोले नहीं, आनंद जी स्वरधारा में है और वही हमारे लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे, हमारे और भी बहुत सारी हम लोग के शौक़ हैं, हम लोग टीवी भी देखते हैं, हम लोग योग भी करते हैं, बहुत सारे काम हैं और घर के काम तो हैं ही, हम लोग के जो किचन के या जो दूसरे काम रहते हैं महिलाओं के, उतनी सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो वो बेचारे कहना चाहिए कि बोल बोल के थक गए थे, हमने साफ मना कर दिया और हम उनको जानते भी नहीं थे, जबकि वो कम से कम 40 समूह वो चलाते हैं, अभी पता चला हम 40-45 समूह, मतलब उनने शुरू किए हैं कभी, अब उनने उनको छोड़ मतलब दूसरों को सौंप दिया जो भी है, तो मतलब वो एक सिंगिंग उसमें जानी मानी हस्ती थी, हमें तो नहीं पता था, हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। मगर उसी ग्रुप में एक अमी भी हैं, मुंबई से है, वो स्वरधारा में भी थी, वो मानी नहीं और उसने हमको सुर संगीत से जोड़ दिया। तो सुर संगीत में भी 2 साल हो गए और वहाँ उन्होंने सीधे हमको एडमिट ही बना के शामिल किया। और सुर संगीत भी बहुत अच्छा ग्रुप है, उसमें 2-3 लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, एक सागर सर हैं, देवेंद्र सक्सेना जी हैं, कल्पना सक्सेना जी हैं, तो और एक संतोष जी हैं, वो तो स्टेज वगैरह पर भी गाती हैं, उनसे हम मिल भी चुके हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग वहाँ भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ भी बहुत आनंद आता है। इन समूहों में यही होता है कि लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ अच्छे लोग शामिल होते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कोई किसी बात पर नाराज होकर छोड़ देता है, कभी किसी को समय नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं। बाकी एक हॉबी के रूप में या अपना समय काटने के लिए उससे अच्छा हमको नहीं लगता कुछ है, यदि आपकी संगीत में रुचि है तो। पर हम लोग की संगीत में शुरू से रुचि, हम लोग तो उठते बैठते सोते जागते ही गानों के बारे में सोचते थे, हारमोनियम गाना तबला सब लोग बचपन से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा हुआ अब रिटायरमेंट के बाद हमें इतना समय मिल रहा है कि हम 12 बजे रात तक भी यदि जग के गाते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत आनंद आता है और कहना चाहिए कि 2 चीज़ें मिली हैं, एक योग और ये योग और संगीत सिंगिंग ग्रुप संगीत वाले, तो दोनों में बहुत आनंद आता है। सुबह सुबह उठ के 1-1.5 घंटा योग कर लेते हैं और शाम को फिर फुर्सत होके गाने गाते रहो,
और वास्तव में बहुत आनंद आता है। कितने सारे गाने हम लोग को आते हैं, भूल चुके होते हैं कुछ ठीक है, अभी सब दोबारा क्या, रोज कई कई बार गाने का मौका मिलता है। और कोई थोड़ा सा एक अंतरा गाता है, हम लोग दूसरा कोई अगला अंतरा गाता है, एक दूसरे को उस तरह आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे की सराहना करते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एडमिट होने से या जो भी है, हम लोग किसी की मतलब बुराई नहीं करते, क्योंकि समूह में तो सब तरह के लोग होते हैं, बहुत अच्छा गाने वाले भी हैं, साधारण गाने वाले भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके गाने के बारे में कोई टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर है, इस तरह के लोग भी होते हैं। मगर ठीक है, उनका शौक है, उनका एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो हम लोग उनको भी सुनते हैं, उनकी भी सराहना करते हैं, उस तरह एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, खुशनुमा माहौल। संगीत से अच्छा खुश होने के लिए और कोई तरीका है नहीं, योग और संगीत दोनों जो आपके लिए खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया मम्मी।